बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान पब्लिक टीवी। मैं हूं आपका होस्ट सलमान अली। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है, रमज़ान जा रहा है, बहुत अच्छा माशाल्लाह मौसम भी अच्छा है, और इसी हवाले से हमने जो सिलसिला है पाकिस्तान पब्लिक टीवी ने रमज़ान ट्रांसमिशन का आगाज़ आज से शुरू किया है। तो आज हम मुल्के पाकिस्तान के मरूफ तरीन सनाहाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ज़िला गुजरात और मंडी बाउद्दीन के, जिनका नाम है ग़ुलाम रसूल कादरी, उनके पास मौजूद हैं। उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, उनसे जानते हैं कब से वो नात पढ़ने की सआदत हासिल उन्होंने की और नात पढ़ने का सही तरीका क्या है, और इनसे नात भी सुनेंगे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी और प्यारी आवाज़ है। क्यों टीवी पे भी ये प्रोग्राम करके आए हैं, हकीकत टीवी पे भी। और तो आइए इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब, कैसे हैं? सेहत तबीयत कैसी है आपकी? अल्लाह का बड़ा शुक्र है। आप सुनाएं सलमान भाई, मैं सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ, पाकिस्तान पब्लिक टीवी की पूरी टीम को, बिलखसूस जो आपने इतना टाइम अच्छा निकाला और बड़ा अच्छा काम शुरू किया है, नाथानों को प्रमोट कर रहे हैं आप और इस रमज़ान की बड़ी खूबसूरत घड़ियाँ हासिल कर रहे हैं। माशाल्लाह अच्छा टाइम अपना दे रहे हैं। हजूर की बारगाह आलिया में आपकी भी हाज़िरी उतनी है जितनी नात सुनने में है या पढ़ने में। माशा, कब से आपको नात का शौक, कब से आप ये अकल इस्लाम की बारगाह में नात पेश कर रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे किबला वालदे ग्रामी, हमारा मेरी यूँ समझे कि नात के हवाले से मुझे साथ वरासे से ये ता हुई है। जोर की नात वो बहुत अच्छी पढ़ते थे अल्हम्दुलिल्लाह, जब से बचपन में 3 या 4 क्लास में था, तो बचपन से ही बस प्राइमरी जब मैं पढ़ता था तो उस दिन से अब तक अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे लिए बड़ी सादगी की बात है कि मैं जोर का जिक्र करता हूँ और अच्छे तरीके से और एक अच्छे उलिया के साथ। आजकल मैंने देखा है मुख्तलिफ नात खां, बहुत ही मतलब एक उनका अंदाज जो है ना मसीकी के टाइप पे चला जाता है। नात तो पेश करनी है एक अकल सलातम की बारगाह में पे अदब से इतराम से, तो नात का असल अंदाज क्या होना चाहिए? वो एक शेर मुझे याद है कि अक्का की सनाहानी दरअसल इबादत है, हम नात की सूरत में कुरान सुनाते। असल नात हमारे मुल्क पाकिस्तान के बड़े मरूफ नात खां हुए हैं, सैयद मंजूर कुनैन शाह साहब, वो बहुत अच्छा अंदाज है, वही एक अच्छा तरीका है। और सैयद जबीब मसूद हैं और कारी जुबैद रसूल साहब हैं, मेरे उस्ताद ग्रामी जनाब हाफिज मरगूब अहमद हमदानी साहब, किबला हाल दसनैन हाल रहमतुल्लाह अलैह, बहुत अच्छा अंदाज, बहुत मोहब्बत के साथ नात पेश करते थे। यही असल हकीकत है और यही उलिया नात का पेश कर। अच्छा, आज हमें अकल इस्लाम की बारगाह में नात शरीफ पेश करेंगे। बने हैं दो जहाँ, चाहे दूसरा के लिए बने हैं दोनों जहाँ, चाहे दूसरा के लिए सजी है महफ़िले कौनैन मुस्तफ़ा के लिए सजी है महफ़िले कौनैन मुस्तफ़ा के लिए बने हैं दोनों जहाँ। मेरे करीब मेरे जारसाज़ो बंदा नवाज़,
मेरे करीब मेरे चार साजो बंदा नवाज तड़प रहा हूँ तेरे शहर की हवा के लिए तड़प रहा तेरे शहर की हवा के लिए बने हैं दोनों जहां हुजूर नूर है महमूद है मोहम्मद है हुजूर नूर है महमूद है मोहम्मद है जगह जगह उन्वान है सना के लिए जगह जगह ने उन्वान है सना के लिए दोनों जहां फराज तूर पे वो बेनकाब क्यों फराज तूर पे वो बेनकाब क्यों हुए के आशना की तजल्ली थी आशना के लिए के आशना की तजल्ली थी आशना के लिए दोनों जहां शाह दूसरा के लिए सजी है महफ़िले कौनैन मुस्तफा के लिए बने हैं दोनों
जहां। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने नाद शरीफ की सादत हासिल की। अल्लाह ताला आपकी वॉइस में और बरकत अता फरमाए और इसी तरह पढ़ने की तफीक दे। माशाल्लाह जी बहुत प्यारी। इसके साथ ही हमें दें इजाज़त, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। मेरा और आपका, रब रखा, पाकिस्तान जिंदाबाद।